1.5 साल से नहीं मिल रही है फसल बीमा की धनराशि। जिला सहकारी बैंक की लापरवाही से दर दर भटक रही है बीमा की लाभार्थी महिला। गोवर्धन गांव नीमगांव की रहने वाली महिला फसल बीमा की धनराशि के लिए 1.5 साल से बैंक के चक्कर लगा रही है, लेकिन पात्र महिला को बैंक प्रबंधन की लापरवाही के चलते धनराशि नहीं मिल रही है। उसने तहसील दिवस में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है, जबकि इससे पहले जिलाधिकारी को भी शिकायत कर चुकी है। तहसील दिवस में दी गई शिकायत में नीमगांव की रहने वाली सोमोती देवी ने बताया कि उसकी खरीफ की फसल नष्ट होने पर उसको फसल बीमा योजना में 70,615 रुपये की मुआवजा स्वीकृत हुआ, लेकिन उसके मुआवजे को लेकर सहकारी बैंक गोवर्धन की शाखा प्रबंधन ने अन्य किसी व्यक्ति के खाते में डाल दिया। जब वह शिकायत करने पहुंची तो उल्टा लौटा दिया। इसके उसने अपनी शिकायत जिला अधिकारी मथुर से की तो बैंक प्रबंधन ने अपने बचाव में जिसके खाते में धनराशि स्वीकृत की उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इतिश्री कर ली, लेकिन आज महिला को उसका मुआवजा नहीं मिला है। मंगलवार को उसने दूसरी बार तहसील दिवस में शिकायत की है। इस पर उप जिलाधिकारी राहुल यादव ने कॉपरेटिव ADO महावीर सिंह से तत्काल दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, नहीं दोषी कर्मचारियों के वेतन से स्वीकृति धनराशि दिलाई जाए। वहीं पीड़िता सोमोती देवी का कहना है कि वह लगातार 1.5 साल से चक्कर लगा रही है। आपका मेरा नाम रितेश चौधरी है। चौधरी साहब, ये बताएं आप तहसील दिवस में आए इसमें आए कि क्या क्या समस्या है? समस्या वैसे ये है कि ये महिला है नीम गांव की, बुजुर्ग महिला है जी। इनका बीमा स्वीकृत किया था 70,615 रुपए का कोऑपरेटिव बैंक से, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के लोगों को बार बार सूचना देने पर, बार बार कहने पर भी इनको बीमा नहीं दिया गया। इन्होंने इसके सापेक्ष में जिलाधिकारी महोदय को अपनी शिकायत दर्ज कराई और IGRS पर डाली, तो विभाग ने मिली भगत करके इनका पैसा तो स्वीकार किया कि 70,615 रुपए का बीमा तो आया है, लेकिन आज तक इनको बीमा नहीं दिया गया है। विभाग इस पर लीपापोती कर रहा है, महिला बहुत परेशान है। इनको 70,615 रुपए का जो बीमा था वो किसी दूसरे को इन्होंने जानबूझकर दे दिया, जबकि बार बार लिखित महिला द्वारा बार बार लिखित बैंक को शाखा प्रबंधक को सूचना दी गई कि यह पैसा मेरा है, तो विभाग ने स्वीकार तो कर लिया कि पैसा इनका आया है, लेकिन देने में आनाकानी करने में वो लीपापोती करते रहे। अब इस क्रम में ही वो आज तहसील दिवस में आई हैं अपने पैसे की गुहार लगाने के लिए कि मेरा पैसा मुझको दिलाया जाए, जिससे कि ये समिति से आगे आने वाली आगामी फसल के लिए कुछ फसल ऋण भी उठा सकें और अपने जीवन यापन भी कर सकें। आज ये महिला बहुत मानसिक उत्पीड़न से गुजर रही है सर। SDM साहब ने आप क्या आश्वासन दिया आपको? SDM साहब ने आप हमें बताया है कि आपका पैसा जल्द ही बैंक शाखा प्रबंधक के खाते से काटकर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने आज हमको दिया है।